Hello everyone, welcome to my channel. If you came here to learn English, this is the right place for you. In today's video, we will learn some pronunciation. Because when you have good pronunciation, people respect you instantly. They will not see you as an English learner. So if you are interested, keep watching. So I am Javed, I'm a student, I'm not a teacher, and I have been learning English for the last 2 years, and I want to help those who want to learn English. So if you are interested, keep watching. तो सबसे पहले नेवा एवा, इसे बहुत सारे लोग कहते हैं नेवा एवा, लेकिन क्या हम नेवर एवर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये दोनों सही है, बस फर्क इतना है कि नेवा एवा जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और नेवर एवर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। मैं एक चीज आपको बता दूं, आर से पहले जब भी वॉल लेटर्स, यानी आर से पहले ई हो या कोई भी वॉल लेटर ए ई आई ओ यू, तो हम ब्रिटिश में है उसका उच्चारण आ करते हैं, आ, आर को आ, जैसे नेवा, नेवर को नेवा, वो आर को आ में बदल देते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नेवा एवा, आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू अगेन, नेवा एवा, ये ब्रिटिश है, और अमेरिकन में आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू अगेन, नेवर एवर। अमेरिकन में जो है वो आर लेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और ब्रिटिश में वो साइलेंट है और आ का साउंड निकलता है। नेवा एवा ब्रिटिश और नेवर एवर अमेरिकन। नेक्स्ट वर्ड इज वट एवा, देखे ये ब्रिटिश है वट एवा, वट एवा, अमेरिकन वट एवर, वट एवर। लेकिन ये याद रखें, अमेरिकन में डी यानी कि टी साउंड लेटर जो है वो अगर वॉल साउंड से पहले हो तो उसे डा प्रोनाउंस करते हैं, वट एवर, वट एवर, वट एवर, और ब्रिटिश में वट एवा, वट एवा, वट एवा। I don't wanna hear any excuses. Third word is beta. American में better, better, better. British में beta, beta, beta. It's better, it's better. Fourth word is water, water. ये देखे American में T को यहाँ पे da pronounce किया जाता, water, water, वाटर, और ब्रिटिश में वाटा, वाटा, वहाँ यहाँ पे भी देखे आर से पहले ई है, इसीलिए उसने ये साइलेंट करके आ का साउंड निकालते हैं, वाटा, वाटा, वाटा। द वाटर इज क्लीन, द वाटर इज क्लीन। क्लेवा, यहाँ पे देखे क्लेवा, क्लेवर, अमेरिकन में क्लेवर, ये याद रखें ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में जो थ्री लेटर्स हैं टी पी और खा, हिंदी में हम पा और टा और खा ई का प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश में पा साउंड नहीं है, वो फा कहेंगे। आप वीडियोस पे देख लिख यानी कि देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं स्पेशल इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश में आप जा करके सुने गौर से, वो पी को फा प्रोनाउंस करेंगे, का को खा आपको साउंड सुनाई देगा, और टी को ठा। ये आप यूग्लिस पे जाएं और वहां पे आप सब कुछ देख सकते हैं। जो कुछ भी मैं प्रोनंसिएशन बताऊं, आप सीधे यूग्लिस वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आप आसानी से हर चीज देख सकते हैं। यहाँ पे देखे डब्ल्यू ओ आर के वर्क, अमेरिकन में वर्क, वर्क, और ब्रिटिश में वर्क, वर्क, वर्क। इट्स नॉट माई वर्क, इट्स नॉट माई वर्क, इट्स नॉट माई जॉब जिसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे आप? पुअर, अमेरिकन में पुअर, पुअर, और इंडियन में पी को पा पढ़ा जाता है, पुअर, 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 और ब्रिटिश में फुआ, फुआ, फुआ। दे आर पुअर, दे आर पुअर, या दे आर पुअर। इसे प्लेजा, प्लेजा, प्लेजा जिसे आप कहते हैं प्लेजा, लेकिन अमेरिकन में प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, ब्रिटिश में इट्स माय प्लेजर। लेजर, लेजर, लेजा, लेजर, लेजा। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम,
What do you do in your leisure time? Leisure time. बस आप एक ही चीज याद रखें कि R के पहले वॉल लेटर हो तो हम उसे ब्रिटिश में आ साउंड करते हैं और अमेरिकन में वो आर बिल्कुल साउंड नहीं होता, वो जैसे है आप वैसे पढ़ें। नेक्स्ट रिमेम्बर, ये देखें अमेरिकन में रिमेम्बर और ब्रिटिश में रिमेम्बर, जैसे दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से आप हमेशा आप देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर।